एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया, तो वहीं दूसरी तरफ अब अमित शाह ले लद्दाख में आर्टिकल 371 लागू करने का विचार कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही के दिनों में लद्दाख में राज्य का दर्जा एक विधायी निकाय और छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन देखा गया। इसको लेकर ले और लद्दाख के नेताओं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच एक बैठक हो चुकी है, जिसमें उन्होंने आर्टिकल 371 के जरिए इस केंद्र शासित क्षेत्र के स्थानीय लोगों के लिए विशेष प्रावधान करने का आश्वासन दिया है। दरअसल स्थानीय लोगों को डर है कि अब अनुच्छेद 370 खत्म होने से भारी लोग जमीन खरीदेंगे और उन नौकरियों के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे जो पहले लद्दाख निवासियों के लिए आरक्षित थी। आपको बता दें कि अनुच्छेद 370 की ही तरह अनुच्छेद 371 भी भारतीय संविधान में शामिल है। आर्टिकल 371 के मुताबिक केंद्र सरकार किसी राज्य की खास जरूरतों की पूर्ति करता है और वहां के लोगों के हितों की रक्षा करता है और स्थानीय हितों को बढ़ावा मिलता है। स्थानीय नौकरियों में स्थानीय लोगों को 80% तक आरक्षण देने तक का प्रावधान भी किया जाता है, तो वहीं केंद्र सरकार क्षेत्र के विकास के लिए अलग से बजट का प्रावधान भी करती है। इसके जरिए केंद्र सरकार लद्दाख की संस्कृति, भाषा और भूमि के साथ ही स्थानीय परंपराओं को भी संरक्षण प्रदान कर सकेगी और लद्दाख की स्थानीय विरासत और स्थानीय लोगों के अधिकारों को संरक्षित कर पाएगी। सूत्रों के अनुसार बैठक में मौजूद लद्दाख के एक नेता ने कहा, जमीन, नौकरी और संस्कृति से जुड़ी जनता की मांगों को लेकर मंत्री सहानुभूति रख रहे थे और कहा कि इनका समाधान आर्टिकल 371 के प्रावधानों के तहत किया जा सकता है। सरकार क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 80% तक आरक्षण देना चाह रही है। आपको बता दें कि आर्टिकल 371 के जरिए देश के अलग अलग 12 राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं और इस सूची में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, गोवा, मणिपुर और कर्नाटका राज्य शामिल हैं। और साथ ही आर्टिकल ही राष्ट्रपति को महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्रों के साथ ही गुजरात के सौराष्ट्र, कच्छ के लिए अलग विकास बॉर्डरों के गठन की शक्ति भी देता है। दरअसल जिस तरह से जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के लिए विधायिका की व्यवस्था है, वैसे अभी लद्दाख के लिए नहीं है। आपको बता दें कि संविधान के आर्टिकल 244 के छठवें शेड्यूल के अनुसार किसी राज्य में स्वायत्त शासी प्रशासन यानी सेल्फ गवर्न स्टेट की स्थापना की जा सकती है, जिसके पास विधायिका यानी लेजिस्लेचर, न्यायिका यानी जुडिशियल और प्रशासनिक यानी एडमिनिस्ट्रेटिव स्वतंत्रता होती है। इसी को लेकर लद्दाख की जनता विरोध प्रदर्शन कर रही है और चाहती है कि केंद्र सरकार इस पर जल्द से जल्द कदम उठाए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।